व्हीकल्स की जगह ले रहे हैं। फ्यूचर में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है और साथ ही में ये इको फ्रेंडली भी हैं। कई कंपनीज अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सर मेरा नाम उस्मान कुरैशी। तो जी आज हम वीडियो देख रहे हैं टॉप 10 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल इन इंडिया 2022। मतलब नई वीडियो है और बहुत मजे की वीडियो, क्योंकि हाँ। इंडिया के अंदर स्कूटर्स हैं जो इलेक्ट्रिक, मतलब जो करंट से चलते हैं भाई। पेट्रोल ज्यादा हो पेट्रोल कम हो, ये इनको कोई टेंशन नहीं है। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर। जो मतलब जो इन लोगों ने कंप्यूटर स्कूटर्स तो पहले भाई इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में चलो बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑटो इन्फिनिटी पर। दोस्तों फ्यूल प्राइजेस बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल्स की जगह ले रहे हैं। फ्यूचर में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है और साथ ही में ये इको फ्रेंडली भी हैं। कई कंपनीज लोगों की नीड्स एंड फ्यूचर डिमांड को देखते हुए मार्केट में बेस्ट फीचर्स एंड बजटेड प्राइस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो बेस्ट फीचर्स एंड अच्छी रेंज के साथ इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस लिस्ट की नंबर 10 पर आती है एम्पियर मैग्नस। एम्पियर मैग्नस सिंपल एंड एलिगेंट डिजाइन के साथ आती है। डिसेंट लुक के साथ आने वाली मैग्नस काफी लाइट वेट है। एम्पियर मैग्नस की लिथियम आयन बैटरी सिंगल चार्ज में 121 किलोमीटर की हाई रेंज कवर कर सकती है। इसमें 1200 वोल्ट की मोटर दी गई है जो स्कूटर को सिर्फ 10 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड पकड़ा सकती है। इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आर है और ये 6 से 7 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाती है। फीचर्स की बात करें तो मैग्नस में एलईडी हेडलैम्प, एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद कीलेस एंट्री, अप्रोन माउंटेड स्टोरेज स्पेस विद इंटीग्रेटेड यूएसबी पोर्ट एंड अंडर सीट बूट लाइट मिल जाती है। इसके फ्रंट एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं एंड इसका कर्व वेट 82 केजी है। बात करें प्राइस की तो इसके एक शोरूम प्राइस 77,000 रुपीज से शुरू हो जाती है। नंबर 9 पर है हीरो इलेक्ट्रिक निक्स। हीरो के इलेक्ट्रिक निक्स में 3 ईयर की वारंटी के साथ 1.53 किलोवाट आर की डुअल लिथियम आयन बैटरी आती है, जिसमें कंपनी ने सिंगल चार्ज में 165 किलोमीटर की रेंज क्लेम की है। मोटर की बात करें तो इसमें 600 वोल्ट की मोटर दी गई है और इसकी टॉप स्पीड 42 किलोमीटर पर आर है। इसमें फ्रंट एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं और ये डिजिटल ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और एंटी थेफ्ट अलार्म के साथ आती है। और फाइनली बात करें प्राइस की तो इस शानदार स्कूटर के एक शोरूम प्राइस 77,500 रुपीज से शुरू हो जाती है। लिस्ट की नंबर 8 पर आने वाली है ओकिनावा ओकी 90। इसका बोल्ड कंप्यूटर डिजाइन स्पोर्टी लुक देता है। ओकिनावा ओकी 90 में 3.6 किलोवाट आर की डिटेचेबल लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिसमें कंपनी ने सिंगल चार्ज में 160 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की है। इसकी बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है जो एक घंटे में 0 से 80% तक चार्ज कर सकती है। इसमें IP65 की रेटिंग के साथ 3800 वोल्ट की मोटर दी गई है और इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आर है। ओकिनावा में ऑल LED लाइट्स मिलती हैं और अंडर सीट USB चार्जिंग पोर्ट, बूट लाइट, ए एल्यूमिनेटेड की स्लॉट विथ कीलेस ऑपरेशन एंड ए फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ 10x10 नेविगेशन। फाइनली बात करें ओकिनावा ओकी की प्राइस की तो इसकी एक शोरूम प्राइस 1.22 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। नंबर 7 पर है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा। ऑप्टिमा लाइट वेट है एंड इजी टू राइड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिसमें कंपनी ने सिंगल चार्ज में 140 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की है। 4 से 5 घंटे में इसकी बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है। इसमें 1200 वोल्ट की मोटर दी गई है और इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आर की है। इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर,
क्रूज कंट्रोल, LED टेल एंड हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फाइनली बात करें इस शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक शोरूम प्राइस की, तो इसके एक शोरूम प्राइस 62,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। लिस्ट की नंबर 6 पोजीशन पर है बाउंस इन्फिनिटी E1। बाउंस इन्फिनिटी E1 स्मूथ फ्लोइंग लाइंस के साथ मॉडर्न यूरोपियन डिज़ाइन में आती है। इसमें 1.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो 3 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड करती है एंड IP67 के वाटर प्रूफिंग रेटिंग के साथ आती है। कंपनी ने सिंगल चार्ज में 85 किलोमीटर की रेंज क्लेम की है। इसके बैटरी 4 से 5 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। इसमें 1500 वोल्ट की मोटर दी गई है जो 85 Nm तक का टॉर्क जनरेट करती है। इन्फिनिटी E1 8 सेकंड्स में 0 to 40 किलोमीटर तक की स्पीड अचीव कर सकती है और इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आर है। 12 लीटर के अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी और 94 kg के कर्व वेट के साथ आने वाली इन्फिनिटी E1 में CBS के साथ फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। बाउंस इन्फिनिटी E1 को बैटरी के साथ भी और बिना बैटरी के भी खरीद सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस में ये पेड बैटरी सब्सक्रिप्शन के साथ आता है जिसमें यूजर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से बैटरी पैक स्वैप करा सकते हैं। बाउंस इन्फिनिटी E1 के एक शोरूम प्राइस बैटरी के साथ 75,000 की है और विदाउट बैटरी 45,000 की है। नंबर 5 पर है बजाज चेतक। इसमें आपको 3800 वोल्ट की मोटर दी गई है। इसमें लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो 50,000 किलोमीटर या फिर 3 इयर्स तक की वारंटी के साथ आती है। कंपनी ने क्लेम किया है कि ये स्कूटर सिंगल चार्ज में 85 से 90 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है और इसकी बैटरी 5 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाती है। इसकी टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आर है। ये स्कूटर भी मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी और GPS नेविगेशन सपोर्ट करता है। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और साथ ही में पार्किंग असिस्ट, एंटी थेफ्ट सिस्टम और जियो फेंसिंग के साथ सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। 132 kg का कर्व वेट है और 18 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज आपको मिल जाता है और फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इसके एक शोरूम प्राइस 1.52 लाख रुपीज से शुरू हो जाती है। नंबर 4 पर है TVS iQube ST। ये एक प्रीमियम फीचर्स और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाला एक बेहतरीन स्कूटर है। इसमें 4.56 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो 3 इयर्स की वारंटी एंड IP67 के वाटर प्रूफिंग रेटिंग के साथ आती है। कंपनी ने सिंगल चार्ज में 145 किलोमीटर तक की हाई रेंज क्लेम की है। इसकी बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है जो 4 आवर्स में 0 to 80% तक चार्ज कर सकती है। इसमें 4400 वोल्ट की मोटर दी गई है जो 33 Nm तक का हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये स्कूटर 4.2 सेकंड्स में 0 से 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड अचीव कर सकता है और इसकी टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आर है। ये स्कूटर भी मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी और GPS नेविगेशन सपोर्ट करता है। इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और साथ ही में पार्किंग असिस्ट, एंटी थेफ्ट सिस्टम के साथ सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। 128 kg का इसका कव वेट है और 17 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज आपको मिल जाता है और फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। और फाइनली बात करें प्राइस की, तो इसके एक शोरूम प्राइस 1.25 लाख रुपये से शुरू हो जाती है। नंबर 3 पर है एथर 450X थर्ड जनरेशन। ये स्कूटर प्रीमियम डिज़ाइन और स्पोर्टी लुक्स के साथ आती है। इसमें 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है जो 3 इयर्स वारंटी एंड IP67 के वाटर प्रूफिंग रेटिंग के साथ आती है। कंपनी ने सिंगल चार्ज में 146 किलोमीटर की हाई रेंज क्लेम की है। इसकी बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है जो 4 आवर्स एंड 30 मिनट में इसको 0 से 80% तक चार्ज कर देती है। इसमें 6200 वोल्ट की मोटर दी गई है जो 26 Nm तक का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। एथर 3.3 सेकंड्स में 0 से 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड अचीव कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आर की है। इसमें 7 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो स्नैपड्रैगन 1212 प्रोसेसर को सपोर्ट करती है। इसमें भी सारे स्मार्ट फीचर्स अवेलेबल हैं और 22 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज स्पेस मिलता है। 112 kg का इसका कव वेट है एंड फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक अवेलेबल हैं। फाइनली बात करें इसकी प्राइस की, तो शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक शोरूम प्राइस 1.39 लाख रुपये से शुरू हो जाती है। नंबर 2 पर है ओला S1 Pro। ओला का लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 Pro एक सिंपल एंड स्वीट डिज़ाइन के साथ आता है जिसमें 4 ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं। इसमें 4 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है जो IP67 के वाटर प्रूफ रेटिंग के साथ आती है। ये सिंगल चार्ज में 181 किलोमीटर तक की हाई रेंज कवर कर सकती है।
इसमें 8500 वोट की मोटर दी गई है जो 58 NM तक का हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ओला S1 Pro 2.9 सेकंड्स में ही 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकती है और इसकी टॉप स्पीड 116 किलोमीटर पर आवर है। ये 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें मूव OS 2 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, साथ में मोबाइल ऐप से पेयर कर सकते हैं और एडवांस फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। 36 लीटर के अंडर सीट स्टोरेज के साथ आने वाली ओला S1 Pro में CBS के साथ फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और इसका कर्व वेट 125 kg का है। बात करें प्राइस की तो ओला S1 Pro की प्राइस 1.40 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन पर आता है सिंपल वन। सिंपल वन एक मेड इन इंडिया प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें काफ़ी यूजफुल फीचर्स दिए गए हैं। सिंपल ने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को डिज़ाइन किया है। बोल्ड लुक एंड अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाली सिंपल वन में स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। सिंपल वन में LED लाइटनिंग, मैसिव 30 लीटर अंडर सीट स्टोरेज, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम एंड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। इसमें 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है जिससे म्यूजिक कंट्रोल, सिस्टम कस्टमाइजेशन, मैप नेविगेशन के साथ साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हैं। इस स्कूटर में 2 बैटरी पैक मिलते हैं। पहले को स्कूटर से नीच फिक्स किया जाता है जो 4.8 किलोवाट आवर के लिथियम आयन पैक के साथ आता है और दूसरा बैटरी पैक रिमूवेबल है जो 1.6 किलोवाट आवर से लेस है। इसमें 8500 वोट की मोटर दी गई है जो 72 NM तक का हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती है। कंपनी के अकॉर्डिंग सिंपल वन सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर प्लस तक की रेंज कवर कर सकता है। ये स्कूटर 2.95 सेकंड्स में ही 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेता है और इसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर की है। और फाइनली बात करें प्राइस की तो इसकी एक शोरूम प्राइस 1.10 लाख रुपीज से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की लिस्ट और ऐसे ही बेस्ट लिस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। जी तो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को बहुत जबरदस्त लगे क्योंकि मतलब यार इतना रीजनेबल था और जो सिंपल वन अभी जो लास्ट में उन्होंने बताया है उससे पहले ओकला बताया है तो यार बहुत ही भाई जबरदस्त है यार। सिंपल वन को देख कर मैं हैरान हो गया। मतलब सिंपल वन की लुक इस तरह की थी लाइक जैसे हैवी बाइक्स होते हैं, मतलब बाइक्स होते हैं इस तरह की सिंपल वन की लुक थी। साथ में उसकी देखिए ना जो है फीचर्स देखिए उसमें टच का भी सिस्टम यार आप देखे ना बजाज के कितने जबरदस्त दिखाई हुई है स्कूटीज। साथ साथ बात करें हीरो की, ठीक है हीरो के बड़े जबरदस्त ब्रांड थे, TVS वालों के बहुत अच्छे ब्रांड थे। तो मतलब अभी जो मुझे सबसे फेवरेट जो मेरा लगा है वो सिंपल वन लगा है जो लास्ट में बताया क्योंकि उसकी लुक ऐसी थी ना कि भाई वो आम नहीं लग रहा था, मतलब उसमें कुछ ऐसी खास बात लग रही थी यार। मतलब मैं उसी को देख रहा था और बड़ा शौक सा हो रहा था कि यार बाकी वो कुछ ऐसा भाई लुक लग रहा था और देखते देखते मुझे लग रहा था कि मुझे आंख जो है ना वो लगने वाली और मैं सोने वाला और मुझे ड्रीम ऐसा आने वाला है कि भाई स्कूटी में चला रहा हूँ। बहुत जबरदस्त लगी हमें वीडियो और ऑल स्कूटीज जो है स्कूटर्स हैं जो बहुत जबरदस्त लगे। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो में, बहुत ज्यादा क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे स्कूटीज के लिहाज से। मतलब इस बात में मुझे अब बिलीव हुआ है कि इंडिया में भाई सबसे ज्यादा स्कूटीज क्यों चलती है क्योंकि इंडिया में स्कूटीज देखने वाली है और बाकी यार मतलब बजाज एक ब्रांड है, ठीक है उसकी स्कूटीज देखी है साथ साथ हीरो की स्कूटीज देखी है। इसके साथ साथ अगर मैंने अभी बात करूँ TVS तो डेफिनेटली मतलब TVS एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे TVS अपाचे एक आया हुआ बाइक उनका बड़ा फेमस हुआ है, ठीक है। और साथ साथ जो अभी सिंपल वन दिखाया है तो यार ये तो था ही गुड। सो व्यूअर्स आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। 75,000 से 75,000 तक ही है मेरा ख्याल है, देखिए ना मैंने इससे ज्यादा नहीं ऊपर गया। मतलब ज्यादा जो 75,000 से जो स्टार्ट हो रही है वो 140-130 के अराउंड ही है। मतलब इस 140 से ऊपर भी नहीं है यार, 152 भी मेरा ख्याल है, मुश्किल है 152 भी। मतलब कह सकते हैं कि आप आपके जितने फीचर्स वगैरह नजर आए जितने फीचर हो जितनी बैटरी टाइम हो जितना किलोमीटर वो चलता हो बैटरी के लिहाज से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और अगर कुछ कहना चाहते तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली, जितना भी जितनी मोहब्बत देना चाहते हो तो मिलते हैं।